करक्यूमिन या फिर जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में टर्मरिक बोलते हैं, उसके तीन सिनोनिम्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है टर्मरिक, दूसरा उसको करक्यूमा भी कहा जाता है, और थर्ड वन जो होता है वो होता है इंडियन सैफ्रॉन। ठीक है, करक्यूमिन या फिर करक्यूमिनेट्स जो होते हैं, इनका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, यानी कि जो टर्मरिक का बायोलॉजिकल सोर्स होता है, वो होता है ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड राइजोसोम्स ऑफ करक्यूमा लॉन्गा। करक्यूमा लॉन्गा जो है, जो प्लांट है, उसके ड्राइड राइजोसोम से करक्यूमिन को ऑप्टेन किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्टेन किया जाता है। ठीक है, फैमिली जो होती है इसकी जिंजिवरेसी होती है, और ये जो हमारे करक्यूमिन होते हैं, ये डायरिल हेप्टेनॉइड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, करक्यूमिन के अंदर तीन टाइप्स के करक्यूमिनॉइड्स होते हैं। पहला होता है करक्यूमिन, दूसरा होता है डेसमिथॉक्सी करक्यूमिन बिसडेस, तो तीसरा होता है बिसडेसमिथॉक्सी करक्यूमिन। यहाँ पे करक्यूमिन को काट देना, यहाँ पे टर्मरिक आएगा। ठीक है, टर्मरिक के अंदर तीन टाइप्स के करक्यूमिनॉइड्स होते हैं। पहला होता है करक्यूमिन, दूसरा होता है डेसमिथॉक्सी करक्यूमिन, एंड लास्ट वन इज़ बिसडेसमिथॉक्सी करक्यूमिन। ये जो हमारा टर्मरिक होता है, ये इनसॉल्युबल होता है एथर के अंदर और वाटर के अंदर, जबकि ये इथेनॉल और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइसोलेशन की। तो आइसोलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को ये जो करक्यूमिनॉइड्स हैं, इनका आइसोलेशन करना होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करक्यूमिन का, जब हमको आइसोलेशन करना होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पाउडर ड्रग लेते हैं टर्मरिक का। ठीक है, टर्मरिक को लेते हैं पाउडर फॉर्म में, उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में। ठीक है, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर क्या होता है, कैसे इसके थ्रू एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग पाउडर टर्मरिक लेते हैं, उसके बाद में हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट मिलता है हमको, हम उसको कॉन्सनट्रेट करते हैं रिड्यूस प्रेशर में हम लोग उसको कॉन्सनट्रेट करते हैं। ठीक है, और फिर उसको ड्राई कर लेते हैं, तो हमारा करक्यूमिन जो है वो हमको मिल जाता है। ठीक है, और दूसरा मेथड जो है इसके आइसोलेशन के लिए, वो है पाउडर ड्रग लेते हैं हम लोग सबसे पहले, यानी कि पाउडर टर्मरिक लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हेक्सेन के साथ, साथ ही साथ उसमें एसीटोन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एसीटोन का जो एक्सट्रैक्ट आता है, उसको कॉन्सनट्रेट किया जाता है और ड्राई किया जाता है, फिर हमको करक्यूमिन जो है वो मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ करक्यूमिन। एस्टिमेशन जो होता है करक्यूमिन का, वो हम लोग TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से करते हैं। TLC के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ से इसको देखिए आप लोग समझ लेना कि TLC क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो TLC के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एस्टिमेशन करते हैं करक्यूमिन का, तो सबसे पहले हम लोग करक्यूमिन का पाउडर लेते हैं 1 मिलीग्राम, और इसको ऐड कर देते हैं 1 ml मिथेनॉल के अंदर। ठीक है, दोनों को मिक्स करने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो सॉल्यूशन बनता है 1 मिलीग्राम करक्यूमिन का और 1 ml मिथेनॉल का, इसको जो है इसके स्पॉट्स अप्लाई कर देते हैं सिलिका जेल जी प्लेट्स पे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग सिलिका जेल प्लेट्स को इल्यूट करते हैं, और जो इल्यूट करने के लिए जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा क्लोरोफॉर्म इथेनॉल और ग्लेसियल एसिटिक एसिड, जिसका रेशो 94:5:1 होता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो 94 ml, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो 94 ml, इथेनॉल जो होता है वो 5 ml, और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड 1 ml। ठीक है, उसके बाद में जो इल्यूटेड, जो हम लोगों को इल्यूट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, इस सॉल्वेंट के साथ इल्यूट कर लिया, इल्यूट करने के बाद जो इल्यूटेड प्लेट हमको मिलेगी, जो TLC प्लेट जो हमको मिलेगी है ना इल्यूशन होने के बाद, उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसको विजुअलाइज किया जाता है 360 nm की लाइट के अंदर। ठीक है, विजुअलाइजेशन करने के बाद जो करक्यूमिन होता है वो ब्राइट येलो स्पॉट शो करता है एट RF वैल्यू 0.79। ठीक है, RF वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या होती है, ये भी मैंने उसी TLC वाले वीडियो में समझाया हुआ, तो वहाँ से देख के आप लोग समझ लेना। तो RF वैल्यू जो होती है करक्यूमिन की, वो 0.79 होती है। डेसमिथॉक्सी करक्यूमिन की जो RF वैल्यू होती है वो 0.60 होती है, और जो बिसडेसमिथॉक्सी करक्यूमिन की RF वैल्यू होती है वो 0.43 होती है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लो, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर टर्मरिक पाउडर डालो। ठीक है, और उस टर्मरिक पाउडर के अंदर आप H2SO4 यानी कि सल्फरिक एसिड ऐड करो। जब आप पाउडर ड्रग के अंदर सल्फरिक एसिड ऐड करोगे तो येलो रेड कलर आपको मिलेगा। ठीक है, जो ये बताता है कि जो पाउडर हम लोगों ने लिया है वो टर्मरिक पाउडर ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसमें आपको क्या करना है, उसमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर पाउडर ड्रग डालो टर्मरिक का, उसके बाद उसके अंदर NaOH ऐड करो। ठीक है, NaOH जब आप उसके अंदर ऐड करोगे तो आपको डीप ब्राउन कलर मिलेगा। ठीक है, वो डीप ब्राउन कलर ये शो करता है कि हम लोगों ने जो ड्रग लिया है वो टर्मरिक ही है। ठीक है,
थर्ड जो है वो है पाउडर, सबसे पहले पाउडर ड्रग लेना है टर्मरिक, यानी कि टर्मरिक पाउडर लेना है। टर्मरिक पाउडर लेने के बाद एसिटिक एनहाइड्राइड डालना है उसके अंदर, और एसिटिक एनहाइड्राइड डालने के बाद उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फरिक एसिड डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको वॉयलेट कलर मिलेगा, ठीक है। और जब आप इस सोल्यूशन को, ये जो वॉयलेट कलर वाला सोल्यूशन है, जब आप इसको अंडर यूवी लाइट देखोगे तो ये जो है ये रेड कलर की फ्लोरेसेंस शो करेगा, और वो रेड फ्लोरेसेंस ये इंडिकेट करती है कि कर्क्यूमिन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है।